हदायत जारी कर दी हैं कि कल अगर बारिश ज़्यादा हो और किसी जगह के ऊपर पोलिंग स्टेशन इस काबिल ना हो कि वहाँ पे वोट डाला जा सके, तो हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उसके लिए भी मुनासिब हदायत जारी कर दी हैं कि वो कैंडिडेट्स के मशवरे से उसको एक मुनासिब जगह के ऊपर शिफ्ट भी कर सकता है, लेकिन खुद नहीं, अपने कैंडिडेट्स के मशवरे के साथ। किसी किस्म की भी रुकावट नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सामान की तरसील जारी है, आवाम भरपूर तरीके से अपना वोट कास्ट। आइंदा 5 साल किसकी हुकूमत होगी, फैसले में सिर्फ एक रोक बाकी। इंतखाबी मैदान सजने से कब सियासी जमातों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। बच्चे जुलाई को घरों से निकले और वोट का हक इस्तेमाल करें। शहरी वोट डालकर अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वीडियो पैगाम जारी, कहते हैं शफाफ और गैर जानबदार ना इंतखाबात के लिए कोशिश। इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला बरकरार। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। NSR रावलपिंडी में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कादियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। दिल के टेस्ट की रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार। दूसरे हॉस्पिटल मुंतकली का हतमी फैसला नहीं हो सका। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की टीम ने नवाज शरीफ का मुकम्मल तिबी मुआयना किया। जनरल इलेक्शन के लिए मुल्क भर से 8 हल्कों में पोलिंग मौखर। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 6 हल्कों में इलेक्शन बाद में होंगे। NSR ने उम्मीदवार को सजा होने जबकि दीगर 7 हल्कों में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की वफात के बाइस इलेक्शन मौखर किए गए। पंजाब के इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तफसीलात जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में 48,257 में से 5,487 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इस्लामाबाद के 30 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 80 हसास करार। इलेक्शन ड्यूटी के लिए फौज की तायुनाती मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए भरपूर तआवुन कर रही है। फौजी दस्ते इंतजामिया के साथ तआवुन को यकीनी बनाएंगे। महफूज और पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया जाएगा। आम इंतखाबात 2018 तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात करार। 2013 के निस्बत अखराजात में 5 गुना इजाफा। सरकारी खर्च का तखमीना 21 अरब रुपए से ज्यादा। इस बार महंगा इम्पोर्टेड बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पोलिंग स्टाफ का एजाजिया भी 3,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया।
आम इंतखाबात में सट्टेबाज भी सरगर्म, कप्तान फेवरेट करार, इमरान खान 38 पैसे, शहबाज शरीफ 5 रुपए और बिलावल भुट्टो का 7 रुपए 7 पैसे रेट लग। लाहौर बंद रोड पर गंदे नाले से सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद, शनाख्ती कार्ड 3 थैलों में बंद करके नाले में फेंके गए थे। पुलिस ने तमाम शनाख्ती कार्ड तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे का इजाफा करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फीन पर 6.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन और जरी सार्फीन पर नहीं होगा। इदारे नहीं चल रहे, समझ से बाला पर है मुल्क, कैसे चल रहा है, चलने वाले कहाँ है, पेश हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रेलवे खसारा खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। बताएं क्या रेलवे में सब अच्छा है, ऑडिट अफसर से सवाल। चीफ जस्टिस का रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म। समरियाल में सहाफी जिशान भट्ट के कत्ल पर अस्को नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समान, मरकजी मुलजम की अदम गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए फौरी गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की हिदायत। साफ पानी और दीगर कंपनीज में मुबैना करप्शन से मुतालिक अस्कुद नोटिस की समाप्त, तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न करने पर चीफ जस्टिस का नैब पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के नैब से अदम तआवुन पर भी अदालत बरहम। कंपनीज के लिए डेपुटेशन पर जाने वाले अफसरान की तफसीलात नैब को फराहम करने का हुक्म।